सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल न्यूटेक ईजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो की नोटिफिकेशन एंड सूचना के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस शेयर वाले बटन को दबाकर आगे शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फोटोशॉप के बारे में सीख रहे थे और ये हमारा फोटोशॉप का 35वां अध्याय चल रहा है। और इसमें हम फिल्टर्स के, पिछले वीडियो में फिल्टर्स के कुछ ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया था। सॉरी, पिछले वीडियो में मैंने ब्लाइंडिंग ऑप्शन का जो चैप्टर था वो क्लोज किया था। और इस ऑप्शन में हम सीखेंगे जो फिल्टर के कुछ ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं बताऊंगा। सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे में कोई काम में नहीं आते हैं। तो आज जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ से देखिए, फिल्टर मेन्यू से जो लिक्विफाई ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लिक्विफाई ऑप्शन, एक्चुअली लिक्विफाई ऑप्शन का यूज कहाँ पर होता है? तो लिक्विफाई ऑप्शन का यूज होता है आपकी कोई इमेज जो है बहुत ही मोटी है, या फिर आपकी कोई व्यक्ति या कोई भी औरत वगैरह जो मोटी है उसको पतली करने के लिए, उसकी थिकनेस को कम करने के, सॉरी उसको थिक करने के लिए, मतलब थोड़ा पतला करने के लिए, या फिर आपको फनी इमेजेस बनानी है, कार्टून टाइप इमेज बनानी है अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए, या फिर और जो हमें कार्टून टाइप इमेज आप देखते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है, जिसमें उनका सिर मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, स्मूथनेस आ जाती है, सिर घूम जाता है, नाक लंबा हो जाता है, कान लंबे हो जाते हैं, इस कि फनी इमेजेस बनाने के लिए लिक्विफाई ऑप्शन का यूज होता है। और आपकी इमेज को पतली करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, प्यारी सी दिखाने के लिए लिक्विफाई ऑप्शन का यूज करते हैं। तो शिफ्ट कंट्रोल एक्स से आप यहां से जा सकते हैं या फिर फिल्टर ऑप्शन से यहां पर जा सकते हैं। तो चलिए आइए सीख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद में आएगा एक छोटा सा नन्हा सा जैसा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी सूचना मिलती रहेगी। तो सूचना तो आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इस चैनल को आप जरूर जरूर जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मैं ऑनलाइन ना केवल फोटोशॉप के कोर्स या फिर कंप्यूटर के कोर्स इस चैनल पर डालता हूँ, बल्कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर सप्ताह से मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आता हूँ टेक्नोलॉजी का भी, और डेली जो कोर्सेज है वो तो मैं करवाता ही हूँ। और आने वाले समय में मैं डेली के डेली टेक्नोलॉजी का भी डालूंगा और कोर्स के भी डालूंगा, एक बार फोटोशॉप की सीरीज जो कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही लंबा है थोड़ा इसलिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस ये वाली जो इमेज है इस पर हम लिक्विफाई ऑप्शन का यूज करने वाले, लिक्विफाई फिल्टर का यूज करने वाले। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और लिक्विफाई इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एक्स का प्रेस करके हम यूज करने वाले हैं। शिफ्ट कंट्रोल एक्स इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखिए, इस तरह से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी जो कि फुल स्क्रीन में होगी। मैंने अभी थोड़ा कम कर लिया था तो ये फिर से ओपन हुई है, तो कम में ही ओपन हुई है। तो इस तरह से देखिए, फुल स्क्रीन में आपके सामने ओपन होगी, और फुल स्क्रीन में ओपन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए थोड़ा सा ज्यादा लंबी होगी, इसको छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं, अच्छी तरह से जो आपको दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए, आपके सामने एक जो डायलॉग बॉक्स है जो ओपन होकर आएगा, वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होकर आएगी। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, देखिए इधर वाले जो ऑप्शन है वो कोई काम में नहीं आने वाले, वो इसी की इन्हीं की प्रॉपर्टीज है जो कि नॉर्मली हम यूज नहीं लेते हैं। ऊपर वाला जो पहला जो पहला टूल है वो आप इसके जो मार्क, जो इसका चिन्ह है उससे भी देख सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड वर्प टूल इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन को थोड़ा अंदर की तरफ ले कर जाता है, थोड़ा अंदर की तरफ करता है, और नीचे वाला जो है जो आपकी जो स्क्रीन है उसको फिर से जो है रिकवर कर देता है, जो आपने अंदर की थी वो फिर से रिकवर कर देता है। और नेक्स्ट वाला जो ये टूल है वो ट्विरल टूल है, आपकी इमेज को ट्विरल कर देता है यानी घुमा देता है, चाहे आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। और इस तरह से जो प्लक पर्क टूल है या फिर ये जो और टूल है उनको भी धीरे धीरे समझते हैं। और ये जो इमेज है, बाकी के जो सारे टूल है वो आपकी इमेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब फनी बनाने में ही काम आते हैं। पहले से इसको थोड़ा सा पतला करके देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस करके आप इसे जूम कर दीजिए, या फिर ये जूम वाला जो यूज है उससे ले लीजिए, और हैंड टूल का यूज करके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा पतला करके मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये वाला इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो फॉरवर्ड वार्प टूल है उसका यूज लेंगे, और इसको जो है आप जो है छोटे कोष्ठक की सहायता से छोटा कर दीजिए थोड़ा। अब क्या करेंगे आप, इसको देखिए थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से देखिए दबाते चलिए, ये थोड़ा थोड़ा कीजिएगा वरना जो है पता लगने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा करेंगे तो आप और आपकी इमेज जो है खराब हो सकती है। थोड़ा सा आपको बारीकी से इस पर काम करने वाला करना होगा, मैं ज्यादा बारीकी से काम नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जो है इस पर काम जो है थोड़ी बारीकियों से ही कीजिएगा, ताकि इमेज जो है आपकी, ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, चलो उसको बाद में रिकवर कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से
देखिए और पतला करना चाहिए था, आप कर दीजिए। देखिए अभी अच्छी लगेगी, अभी आपको थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से, मुझे भी नहीं लग रही। अभी देखिए थोड़ी देर बाद में अच्छी लगने लग जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंट्रोल एल्ट जेड कीजिए। और इस तरह से देखिए आप काम करते रहिए, बहुत ही बारीकी से आपको इसमें काम करना है। फोटोशॉप में तो बारीकियों का काम ही बारीकियों का होता है। और यहाँ से देखिए पैर भी थोड़ा जो क्या है अंदर की तरफ दे दीजिए इस तरह से। इस तरह से देखिए अंदर की तरफ दे दीजिए आप, इस तरह से, इस तरह से आप अंदर की ओर दे दीजिए इस तरह से। और आप इन्हें भी तो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर दीजिए, मेरा मतलब है कि थोड़ा सा इनको भी पतला कर दीजिए ताकि इमेज पर शूट करने लग जाए। ज़्यादा मत कीजिएगा वरना आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। और यहाँ से भी थोड़ा सा बारीक कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ से भी इमेज को थोड़ा सा अंदर दे दीजिए। देखिए ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते लेकिन लगभग लगभग आप अपनी इमेज को जो अच्छी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। मैं देखिए बारीकियों से काम नहीं कर रहा हूँ तो उतनी अच्छी इमेज लगने वाली है नहीं, क्योंकि बारीकी से काम करूँगा तो आपका जो वीडियो है बहुत ही लंबा सा लगेगा। यदि आप इसी टूल का यूज़ करें, थोड़ा सा बारीकी से काम कर लेते हो तो यही इमेज आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ही अच्छी लग सकती है, बहुत ही प्यारी लग सकती है। और यहाँ से भी थोड़ा सा और दाब दीजिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से इसको भी थोड़ा अंदर दे दीजिए, और इस तरह से। देखिए इस तरह से एक बेहतरीन लुक आप अपनी इमेज को देना चाहे तो दे सकते हैं। देखिए बहुत ही बारीकी से दीजिएगा आप ये लुक तो आपको जो इमेज का लुक है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। और यहाँ से देखिए और पतला करना चाहिए इसकी कमर को, अपने कमर को अपने हिसाब से जो आप मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से, और भी पतला करना चाहिए तो कर दीजिए। फिर ज़्यादा पतला करेंगे तो अच्छा नहीं लगने वाला है। इस तरह देखिए आप इस इमेज का जो सिर वगैरह है थोड़ा सा बड़ा है तो इससे भी आप जो क्या है मेंटेन करेंगे ताकि इमेज जो है अच्छी लगे। ये देखिए, ये देखिए। और जब आप इस इमेज को अब देखोगे तो आपको नजर आएगी कि बहुत ही पतली जो ये इमेज हो चुकी है। मैंने बारीकी से काम नहीं किया तो उतनी अच्छी ये इमेज नहीं लग रही है। देखिए थोड़ा सा करके देखते हैं कमर वगैरह को और पतला। और इस तरह से देखिए आप अपनी इमेज पर काम करके बहुत ही बारीकी से जो है सीख सकते हैं और बहुत ही बारीकी से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए इसको बारीकी से डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन आप बना सकते हैं। ये जो इसकी नीचे वाली ड्रेस है उतनी सूट नहीं करेगी क्योंकि इससे भी मैंने पतला कर दिया है और उतनी अच्छी इस पर लगी नहीं है ड्रेस, तो इसी कारण ये इतना अच्छी लग नहीं रही है मुझे। फिर भी देखिए काफ़ी अच्छा थिकनेस हम ला पाए हैं इस इमेज में। देखिए आप जैसे देखोगे या फिर आपका शरीर का कोई अंग जो है बाहर निकल जाता है, बॉडी का कोई पार्ट बाहर निकल जाता है, या फिर कोई पेड़ वगैरह होता है, या फिर कोई दीवार होती है जो क्या होता है कि एक तरफ से मोटी होती है, तो उसको सीधा करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, उसको मेनटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप थिकनेस पर मजा ही, बहुत सारी चीज़ों का थिकनेस आप बना सकते हैं। तो आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं इस इमेज में और इस इमेज में कितना डिफरेंस है, कितनी ये इमेज कितनी पतली हो और कितनी मोटी ये वाली इमेज है। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों इसको मैंने बारीकी से जो वर्क नहीं किया है तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो आप इससे इमेज को जो अपनी इमेज को पतली कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से वर्क करके। चलिए दोस्तों अब इसी से मैं फनी आपको फनी इमेज बनाना बता देता हूँ। फनी इमेज का मतलब है आपको पिक्चर को बिगाड़ना है बस, उसके बाद नेक्स्ट वाला ये टूल आ जाता है उससे आप जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर से आप इसे रिकवर कर सकते हैं। देखिए जितना भी हमने वर्क किया था वो वापस आप रिकवर कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए फिर से जो वर्क जो भी किया था वो वर्क हम फिर से रिकवर कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से जो भी वर्क हमने किया था फिर से इससे रिकवर हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो टूल है वो आपके चेहरे को देखिए थोड़ा सा घुमाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हुए रखते हैं तो ये देखिए आपकी इमेज को स्लो मोशन में घुमाता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिक ही। देखिए स्लो मोशन में जैसे आप क्लिक करते हुए रखोगे तो इस तरह से आपके चेहरे को घुमा देगा। और जैसे एल्ट के साथ आप इसे फ्रेश करते हो तो देखिए अब ये विपरीत साइड में आपकी जो चेहरा है उसको घुमाना स्टार्ट कर देगा। देखिए बारीकी से देखिएगा, और देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप थोड़ा सा जूम ले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके चेहरे को घुमाना शुरू कर देगा। चलिए इसको थोड़े से इससे खराब करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इनसे फनी इमेजेस बनाते हैं। तो आपका कहीं कई बार इमेजेस में क्या होता है कि चेहरा घुमा हुआ नहीं होता है, तो वहाँ पर घुमाने के लिए देखिए इस तरह से उनको घुमाने के लिए देखिए जैसे आप क्लिक करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिक ही घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखिए इस तरह से जैसे क्लिक करते हुए रखोगे तो ऑटोमेटिक ही जो है घूमना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए इसको फिर से कंट्रोल एल्ट डिलीट करके वैसा ही कर देता है। इससे तो होगा घुमाने वाला काम। और अब देखिए इस इमेज पर नेक्स्ट ऑप्शन को हम समझते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका जो ये इस टूल्स के नाम से आप देख सकते हैं पुकर टूल, पुकर टूल से क्या होगा आपकी इमेज पुकरेल में आ जाएगी, थोड़ा सा जो है फनी बनने लग जाएगी, मतलब आगे पीछे इस तरह से देखिए अंदर की ओर दिखने लगे। जैसे आप इससे क्लिक करोगे देखिए आपका मुंह है या फिर आपका हैंड्स जो भी है वो छोटा हो जाएगा। देखिए इस तरह से जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो स्लो मोशन में देखिए इसको छोटा करता हुआ चल रहा है, देखिए बहुत ही बारीक कर दिया इसने। इस तरह की फनी लैंग्वेज आप इमेजेस बना सकते हैं आप। और देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बारीकी से इस पर क्लिक होता हुआ जो क्या करेगा आपकी इमेज को जो बहुत ही पतला कर देगा। इस तरह से देखिए इस तरह से आपकी इमेज को जो है बहुत ही बारीकी से जो पतला कर देगा और अंदर की तरफ आपके मुंह वगैरह को लेकर चलेगा। इस तरह से देखिए हाथ पैर छोटे करना हुआ, इस तरह से देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। कंट्रोल एल्ट जेड करते हैं फिर से। और नेक्स्ट जो है अब ये तो हो गया अंदर की ओर इमेज को डालना आपके चेहरे को। इसको थोड़ा सा प्लस करके और समझते हैं ताकि ये चेहरा जो अच्छे से दिखाई दे, और इतना रहने देते हैं। उसके बाद में क्या करना है चलिए इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद में इस चेहरे पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ब्लोट टूल, ब्लोट टूल से देखिए आप इस इमेज को बाहर की तरफ दे, इससे तो अंदर की ओर जा रहा था चेहरा, इससे आप बाहर की तरफ चेहरे को मोटा करके इस तरह से निकाल सकते हैं। आपने काफी फनी इमेजेज में देखा भी होगा इस तरह के चेहरे उसमें बनते हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से आप अपने सिर को मोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं और इसे फिर से जो है रिकवर कर देते हैं आपकी इमेज को वैसा का वैसा। ये देखिए फटाफट से काम करेंगे हम। और उसके बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट टूल जो आ जाता है उसका जो देखिए ब्लोट के बाद में जो नेक्स्ट टूल आ जाता है उसका यूज देख लेते हैं। पुश लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगा आपकी इमेज को, देखिए इस तरह से, देखिए बाहर की तरफ जो है इस तरह से पुश करेगा आपकी इमेज को, देखिए इस तरह से बाहर की तरफ, देखिए पीछे की तरफ हो गया। इस तरह से फनी इमेज बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मिरर टूल, आपकी इमेज को थोड़ा मिरर कर देगा, मतलब आपकी इमेज को थोड़ा मिररली देख लेने को, मतलब काट देगा बीच में से मिरर की तरह कर देगा, देखिए इस तरह से। और देखिए इतना पार्ट आपके बॉडी का इसने छीन लिया इस तरह से देखिए काट कर आपको मिरर कर देता है इस बॉडी को। इस तरह से देखिए अंदर की तरफ दे दिया पूरा, इस तरह से देखिए काट देता है। ये कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं और इससे जो है फिर से हैंड टूल की सहायता से इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और इसको फिर से रिकवर कर देते हैं ऊपर से थोड़ा, सॉरी सॉरी रिकवर करने की जगह टूल्स थोड़ा सा गलत यूज ले लिया। इस तरह से देखिए आप इससे कर सकते हैं काम में। उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आ जाता है उसके जो है फ्रेज मार्क मास्क टूल। इससे क्या होता है देखिए आपकी बॉडी पर इसको घाव पटकने के लिए थोड़ा काम में लिया जाता है, आपकी बॉडी पर घाव बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे बहुत ही बारीक से दोनों टूल्स का यूज करके देखिए ये वाला घाव बनाता है, ये वाला घाव मिटाता है, लेकिन दोनों का जब मिक्स में यूज करते हैं तो हम घाव बना भी और भी बेहतरीन घाव बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से वैसे तो रेड करने का काम करता है लेकिन इससे घाव बना सकते हैं बारीकी से करें तो इस पर वर्क। देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं छोटे कोष्ठ की सहायता से। यहाँ पर मान लीजिए इस पैर पर मुझे घाव बनाना है तो देखिए ये घाव सा लग रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे चोट लगी हुई हो, ये तो बारीक घाव हो गया, इस पर थोड़ा सा इस तरह से गहरा कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे इस टूल्स का यूज लेंगे हम। जैसे इसको क्या करना है आपको जो पहले वाला था उसे थोड़ा सा जो है आपको छोटा करना है, इस तरह से वन बार एक दो बार आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए अंदर जाता हुआ घाव आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ये आपके काम पर डिपेंड करता है आप किस तरह के घाव बनाएंगे। इससे देखिए वैसे तो रिमूव होने का काम करता है, ये देखिए फिर से हट गया। तो ये था दोस्तों आज का जो फिल्टर के बारे में यूज था वो बताया था मैंने आज के लिए, और इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे आप फिल्टर में जो हमने आज ऑप्शन लिया लिक्विफाई का लिया था, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो और इसके फिल्टर्स है जो वेरिएशन फिल्टर्स है, देखिए विनिशिंग फिल्टर्स वेनिशिंग पॉइंट है, इसके बारे में हम समझेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने इमेज को क्यूब में बना सकते हैं, घनाकार बना सकते हैं, बहुत ही सारी डिजाइनिंग इससे दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।